फक तुम छोटे क्या क्या, क्या? तुम लोग कितने साल के हो भाई? तू मेरे को 15 साल का ही लग रहा है। अभी जब प्यूबर्टी हिट हो रही है और वो इन लोग को पूछ रहा है सिगरेट मारते हो क्या भाई? इन लोग एक ही चीज मारते अभी तो। सिगरेट भी ये लोग वो मारते हो, मीठी मीठी आती है ना वो चॉकलेट वाली। तुम में से किसी की बंदी है? हाँ। काम बोरे हाँ हाँ इसकी है, हम देख के खुश है। तू बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों? तेरी भी है, तेरी बेस्ट फ्रेंड इसकी भी। देख इसमें प्राइड लेने ऐसी कोई बात नहीं है। तूने कैसे पढ़ा है उसको? हाँ हाँ तो क्या होमवर्क कर दिया उसका क्या किया? मैंने भारत का मैप बना दिया, खुश होगी। हाँ क्या किया था ना? हार्ड टाइम्स हुए थे। क्या क्या उसके हार्ड टाइम्स हुए थे? नहीं नहीं उसके हार्ड टाइम्स हुए, मतलब उसके एक्सेल हार्ड टाइम्स। एक हार्ड उसके हार्ड टाइम में तो उसके साथ था। 17 साल में क्या हार्ड टाइम आ गया उसको? क्या हो गया उसके बाल पकने लगे? क्या हो गया? क्या हुआ भाई? क्या दादाजी ने आवाज उड़ा बढ़ा दी? क्या क्या हो गया था? हाँ छोटा भीम नहीं देखने दिया क्या? क्या हो गया? वो तारक मेहता से वो आंटी बाहर हो गई तो वो सैड हो गई? क्या हो गया उसको? पर्सनल इश्यूज से बोल रहे भाई 17 साल के बच्चों के क्या पर्सनल इश्यूज थे? मेरे को जानना है, ये तुम लोग को जानना है? इसकी तो बेस्ट फ्रेंड ही है, ये बोल रहे मैं ही हूँ उसका पर्सनल इशू। और तुम दोनों सूखे हो एकदम ही। हाँ क्या है सेकंड बेस्ट फ्रेंड उसका ये? तो क्या तुम्हें भी मिलता है क्या कुछ? तो सूखा नहीं हो, बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो पानी पूरी ये खाते सूखा पूरी में? क्या क्या सूखे ही हो ना? कुछ नहीं है ना, तू तेरे पास भी कुछ नहीं है क्या? तू तीसरा बेस्ट फ्रेंड। तुम लोग क्या लाइन वो सुलभ शौचालय के बाद लाइन लगती है ना, वैसे बेस्ट फ्रेंड की लाइन लगती है क्या उधर? तो तू सिंगल है, तू भी सिंगल है, तुम लोग और तुम लोग भी 18-18, 17-17 जो भी, तो तू भी सिंगल ही है सिर्फ, तू अकेला है जो मचा रहा है। ठीक है तुम लोग के लिए मैंने कुछ लाया है भाई, बच्चे लोग ये लो, यही एक चीज है जो फिलहाल तू चूज सकता है। बोले नहीं मेरे पास बेस्ट फ्रेंड है। और तू भाई कहाँ पे रहता है? कांदिवली। तो ये बैग ऐसे आगे लेके ही बैठते हैं? लोकल ट्रेन का आदत है भाई, छोड़ेंगे नहीं। क्या है ऐसे बैग में भाई? दिखा ना भाई। नहीं नहीं मैं खोल के देखूंगा भाई, देखते हैं। बच्चे लोग का बैग ना ऐसे ही रहता है, देखो। ठीक है चलो, इसमें क्या है पता है? पावर बैंक है एक, ब्रांड प्रमोशन चल रहा है इधर। एम आई क्या बोल रहे? नहीं नहीं किसी और ब्रांड का भाई, मैं पावर देख रहा हूँ इसका। पावर कितने है? हाँ है 10,000 mAh। ठीक है अब निकला वॉलेट भाई। भाई अपन कंसेंट से खोलेंगे, ठीक है भाई? खोले खोले भाई ये, चलो चलो अब मजा आ रहा है। देखो वीडियो पे हमने कंसेंट दे दिया, 18 साल के बच्चे का वॉलेट खोल रहा हूँ मैं, और ब्रांड कोई है LY Whoops। ठीक है क्या रे, किसको लूटा आज? पूरे 230 रुपए इसके पास साले, मैं जब इधर चिल्लर रहती थी। और क्या है, गर्लफ्रेंड का फोटो वोटो कुछ नहीं है? गर्लफ्रेंड की लेटर है। क्या 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 है इसमें? किधर है? बता रहे भाई किधर है? किधर उसमें नहीं आ गए, आगे वाले में। वाह वाह वाह, ऐसी ऑडियंस चाहिए भाई। मुझसे बता रहे मेरी नीचे मारो ना आप। इधर आ गए भाई, कॉन्डम है इसके पास। बोल रहे मेरी दोस्त के साथ ये करेगा भाई साहब। भाई ये मचा नहीं रही, ये कॉन्डम देखो, ये कम से कम 5 साल पुराना है। ये किसका? पापा का चोरी किया भाई? ये लेटर तो नहीं, लेटर किधर है? लेटर आ गया और इससे भाई अभी डेंडो निकलेगा देखो।
लेटर लेटर भाई 17 साल के बच्चे भी लेटर लिख रहे हैं। व्हाट्सएप कम पड़ गया तुम लोग को, हरे पेन से लिखा है। पढ़ू ना भाई मैं? अच्छा इस साइड से नहीं तो पीछे की साइड एक ही सेंटेंस लिखा है और लिखा है लाइफ इज इक्वल टू यू बिकम माई लाइफ। अरे तुम्हारी लाइफ चालू नहीं हुई है अभी तक, सालो वोट नहीं कर सकते तुम लोग। सो अगेन राइटिंग दिस लेटर, एक तो भाई पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने जो लिखा है वो पढ़ लेते, ठीक है? ओके, सो अगेन राइटिंग लेटर एज यूजुअल बिकॉज आई फील स्पेशल आफ्टर राइटिंग माई इमोशंस एंड एक्सप्रेसिंग यू दिस वे बिकॉज दिस इज द ओनली वे आई फील यू कैन फील माई लव फॉर यू एंड द लव यू डू एंड द एफर्ट यू टेक बाय प्रिजर्विंग सेफ्टी। सेफ्टी होता है बराबर बराबर, लड़की बोल रही है भाई ला। माई मेमोरीज इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, यू ओ मी एवरीथिंग। क्या रे कितना कर चलिए, वो 230 उसके है, वो बोल रहे मेरे पास वापस कर। यू आर एवरीथिंग यू, यू आर एवरीथिंग, फिर से यू लिखा, फिर से यू लिखा है। यू आर द फर्स्ट पर्सन डूइंग, अरे फर्स्ट ही रहेगा ना जो 17 साल के तुम लोग, इसके पहले तो टीचर ही रहेंगे सारे। हाँ बिकॉज यू आर स्पेशल ट्रीट्स यू मैक्स इज कंप्लीट फैमिली। एक मिनट, यू मी एंड मैक्स इज आर कंप्लीट फैमिली। मैक्स कौन है? कुत्ता। ओ तो उसके दो है। बोले नहीं नहीं एक ही है, मैक्स तो इंसान है ना। ठीक है, आई वॉन्ट टू चेरिश आर बॉन्ड फॉर एवर लाइक आई सीरियसली, हाँ इसका इंग्लिश देखो, लाइक आई सीरियसली वॉन्ट्स टू बी विथ यू, स्टे विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। भाई गंदा कटने वाला है। बिकॉज यू मेड मी बिलीव दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। तू कौन है, ओशो है तू? तेरे शरण में आ जाती लड़कियां। बट द फैक्ट इज यू बिलीव दैट माई आईज आर प्रिटी। क्या पिकअप लाइन ट्राई की थी क्या? ठीक है, दैट यू हैव फॉलन इन टू डीपली, माई आईज मेड योर लाइफ ब्यूटिफुल। कैसे रे क्या करती हो? वो आई स्पेशलिस्ट है क्या? बिकॉज आई सी इन अ ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्चुअली तो अभी तक सब ग्रीन में लिखा है, अभी ये एक लाइन से रेड में लिखा है, ठीक है? बट एक्चुअली योर प्रेजेंस एंड यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल दैट नो वन डज। ए नल्ले कटा कटा कटा, एक काम कर भाई, ये तू कहा चल। हाँ ठीक है ठीक है, बाकी आगे कुछ पूछ लिया भाई, बेस्ट ऑडियंस हाथ मिला भाई, दो क्या ना बाद में फक भाई 17 साल के बच्चे कॉन्डम रख रहे हैं फक यार, हमें तो पता ही नहीं था भाई, हम तो होली के टाइम की थैली ले रहती थी। नहीं क्या ये इन सब के लिए तालियां बजा दो एक ग्लास। अच्छा लगा, तुम्हें बुरा बुरा नहीं लगा ना? ये उम्र में यही रहता है कि मारो हमारी, हमें मजा ही आ जाएगा। ये इनमें से किसी की नहीं मारी वो बाद में मैसेज करेगा, भैया ऐसा क्या मेरी नहीं मारी, कांदिवली से आया था बैग आगे लेके, फिर भी नहीं पेला आपने मुझे। पर भाई तू ये जो है इसकी तो उसने बहुत मारी वैसे भी, तो ये पहले भी एक बार आया था मेरे शो में और तभी गर्लफ्रेंड को लेकर आया, नहीं बंदी को लेकर आया था। तू वही है ना भाई? ये बहन है, इसको पता नहीं है क्या? तो जैसे मैंने बोला ना बंदी को ले गया था, वो हल्का सा पीछे गया।
अच्छा यार, बाकी कुछ नहीं किया था, इसका हाथ नहीं दिखा था लेकिन मेरे को पूरे शो में। ये बोल रहा है अभी, इसका वॉलेट चेक कर। उसमें तो लुब्रिकेंट भी निकल सकता है। ओ ठीक है यार, क्या तुम लोग ऐसे क्लोज नहीं हो? नहीं है। तो क्यों नहीं पता उसने तेरे को? अब बोल रहा सिर्फ वो नहीं पता था। तुझे लग रहा है इसे कितनी बड़ी तू इससे? फिर तो बताना चाहिए ना। हाँ है, मुझे पता है। ऐसा इसकी बहन को भी लगता है। भाई मुझे एक बात बता, पहला किस किया है तूने? बेस्ट फ्रेंड ऐसा हो गया, अरे मुझे ही तो किया था। वो कंडोम भी मेरे लिए लिया होगी। ओ भाग गया। तो उसके बाद भी ऐसे शायरी वायरी लिखी थी कुछ? ये थर्ड या फोर्थ लेटर है। हाँ तो ऐसा तुम जियो के प्लान की तरह हर महीने कि डेटा पैक खत्म हो रहा है लिख देते ऐसे। तो तुम लोग मैसेज क्यों नहीं भेजते? लेटर में ऐसा कुछ स्पेशल फील आता है? उससे स्पेशल फील होता है, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिविटी देते तो भाई तू 5-6 साल बड़ा रहता ना, मैं शादी करता तेरे से सीधा। मेरे लिए किसी ने नहीं किया भाई ना। भाई तू खाने लग गया क्या? वो उसको पढ़ी नहीं, बोला यार। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या? हर्ष। हर्ष तो पेल रहा है। मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, उसके पास चॉकलेट फ्लेवर है। नहीं कुछ नहीं, ये बहुत बच्चे हैं यार, ये लोग क्या करते हैं, कॉन्डम लेते हैं, नल को लगा के पानी बंद कर। ए क्या बड़ा हो गया। तो उसको जलील हुए देखते हुए मजा आ रहा है ना, इंसान की नीयत ही ऐसी रहती है। हाँ घटिया इंसान। हाँ बट मैं भी ऐसे ही हूँ। लेकिन अभी तुम लोग के साथ क्राउड वर्क करते, एक सवाल पूछूंगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसका फनी आंसर देना है। मैंने मेरे दोस्त का बैग खोला और अंदर मुझे डैश डैश मिला। इसका जो सबसे फनी आंसर रहेगा उसको मैं पिन करूंगा और लाइव शो के टिकट्स भी उसको फ्री में मिलेंगे। क्योंकि मैं इंडिया टूर कर रहा हूँ, लास्ट टाइम किया था बहुत लोगों को टिकट्स मिले नहीं थे, तो अभी से जाके बुक करना अगर आंसर नहीं देना है तो। बाकी कमेंट्स में लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, उतने स्मार्ट तो तुम हो ही। और वो भी लिख देना कि हंसी नहीं आई, हंसना था क्या, 4 दिन हो गए। चलो मिलते लाइव शो से।